बोले हमारी गुरु जी बताए हमारा एक तोता कहीं उड़ते हुए चला गया, उसको पकड़ करके लाओ। हमने पूछा भैया तोता कौन है, बता कैसे चलेगा? बोले उसको ढूंढने का जरूरत नहीं, ये मंत्र सुन करके अपने आप जो पकड़ में आ जाए वो समझना मेरा वही तोता। बोले भैया मैं वही तोता, मैं वही तोता हूँ। बोले एक श्लोक की आप तो एक श्लोक सुने जिसमें 18,000 श्लोक जिसमें विद्यमान है। इसलिए इसका मतलब है कथा कौन सुन सकते हैं? बोले ज्ञानी से ज्ञानी क्यों नहीं हो ये कथा को सुन सकते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बात कहते हैं, बोले रामा कथा जे सुना ता अघाई, रामा कथा जे सुना ता अघाई, जब भगवान के नाम कर्ण में प्रवेश करता है, बोले भैया तुमने करोड़ करोड़ कान क्यों नहीं दिया? पृथु महाराज के जब भगवान ने बोले वर्मा को, पृथु महाराज क्या कहते हैं? बोले प्रभु मेरे को 1,000 कान दे दो। बोले 1,000 का दो कान तो बढ़िया लग रहा है, अगर यहाँ दो कान हो जाए सारा शरीर में तुम्हारी कान ही कान हो जाए, अच्छी लगेगी तुम्हें? अब अच्छे लगे हुए? बोले सारे कान ही कान। बोले नहीं प्रभु, कान तो दो ही हो लेकिन इन दोनों कानों में कृष्ण कथा सुनने की इतने शक्ति आए जैसे 10,000 कानों में जितने शक्ति है। दूसरा तात्पर्य जो विश्वनाथ चतुर्थ कहते हैं, जैसे यहाँ कथा हो रही है भैया और भी तो गरीब रहे हम लोगों ने उठा, इसलिए ये भागवत कथा नहीं सुन रहे हो, ये क्या सुन रहे हो? राधा रानी जब कृष्ण प्रेम में दीवानी बन करके जब कृष्ण प्रेम धन को लुटा रही है, ये भागवत कथा नहीं राधा रानी, ये कृष्ण प्रेम धन को लुटा रही है और हम सुन नहीं रहे हैं, ये धन को हम लूट रहे हैं। और देखना सबके सब माला माला 7 दिन में पूरा पूरा माला माला हो जाओगे। इसलिए इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। बोले भागवत नाम क्यों पड़ा? बोले भाती सर्वेषु लोकेषु, बोले गा बोले गीयते नारदादिभिः, बोले बा बोले वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, बोले ता बोले तरणी च भवार्णवा। इसका मतलब है बोले भाती सर्वेषु लोकेषु, जिसकी महिमा समस्त लोक में है, समस्त लोक में श्रीमद् भागवत कथा की महिमा। बोले गा गा मतलब होता है जिसकी महिमा नारद सूत परीक्षित व्यास आदि बड़े बड़े ऋषि लोग जिसकी गान करते हैं। बोले बा बोले वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, बोले जितने सारे शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किया है, बोले ये श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ। आश्रय करना तुम डुबले वाले नहीं, बास कथा सुनते 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 आपको तो लग रहा है कि बोले कथा में बैठे हो, लेकिन जब कथा समाप्त हो जाएगा ना, देखो कि कहाँ पर पहुंच चुके हैं, गोलोक वृंदावन में। राधा रानी काशी बन करके गोलोक वृंदावन में पहुंच गए। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृता।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बलि जन्मातस्य जतोन्नयादितरतश्च स्वार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयमधीमहि। जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये भागवत को प्रारंभ करते ही तीन श्लोकों के द्वारा उन्होंने मंगलाचरण किया। बोले मंगलाचरण का तात्पर्य क्या है, जैसे कोई भी आप शुभ काम करो अगर आप मंगलाचरण करते हुए करो ना तो काम बढ़िया से हो जाता है अच्छी तरह से, इसको मंगलाचरण। इसलिए हमारे गुरुदेव जब कोई भी शुभ जन्माष्टमी राधाष्टमी कोई भी शुभ काम होता था ना, हमारे श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जो गीत गोविंद में जो मंगलाचरण है वो कौन सा है, जय जय देव हरे, ये मंगल गीत है। आप कोई भी अच्छे काम से पहले ये कीर्तन करते हुए करो तो जरूर वो काम तुम्हारे बढ़िया बन जाएगा। इसलिए हम कोशिश करें कि उसका दो लाइन गाने के। ये मंगल गीत में इतने शक्ति है, इतने दिया राजा को पता है ठाकुर जी बड़े विचित्र लीला करते हैं। ठाकुर जी की चरण में लेट गए, बोले ये क्या हो गया, बोले कोई चिंता मत करो मेरी कोई एक देवदासी वो गीत गोविंद गा रहे मंगल गीत गा रहे जिसमें श्री राधा जी की नाम है। अगर कहीं भी राधा जी का नाम हो फिर तो मैं रह ही नहीं सकता हूँ, मेरे को वहां जाना पड़ता है। कोई चिंता मत कर, मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि मैंने राधारायण का नाम सुना है। तब से जगन्नाथपुरी में राजा प्रचार किया, बोले खबरदार ये भजन को जहां तहां मत गाया जाए, केवल वहीं पर गाया जाए जहां पर श्री जगन्नाथ जी होंगे, कृष्ण होंगे वहीं पर गाना, क्यों नहीं तो भगवान को कष्ट होता है, मंदिर छोड़ करके भागना पड़ता है। और ये हमारे ठाकुर तो यहाँ पर है, कहीं जाने का जरूरत है, ठाकुर जी यहीं पर बैठे हैं इसलिए उनको भागने का जरूरत नहीं। इसका दो लाइन गा देते हैं, ठीक है। Yeah.
बड़े बड़े टीकाकारों ने बड़ी बड़ी उन्होंने टीकाएं की है। अभी जो जिसको अपना आराध्य मानता है, जो शंकर जी को अपना आराध्य मानता है, कहते सत्यम परम धीमहि शंकर जी, जो देवी को मानता है वो देवी को व्याख्या की, जो गणेश जी को, वो सब अपना अपना इष्ट को सत्यम परम धीमहि। लेकिन इसलिए बल्लभाचार्य कहते नहीं, ये कोई सत्यम परम धीमहि नहीं। फिर कहते ये कौन है ये सत्यम परम धीमहि? बोले भगवान कृष्ण ही केवल सत्यम परम धीमहि। बोले इसका प्रमाण किया तब जिनसे जगत का सृष्टि स्थिति और प्रलय होता है, अन्य व्यतिरेक रूप में सर्वप्रथम जिन्होंने श्री ब्रह्मा जी के हृदय में इस सारे तत्व ज्ञान को बंसी ध्वनि को द्वारा जो गोपाल मंत्र को उन्होंने प्रदान किए, और जिनकी माया में